गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की सुबह अच्छी धूप के साथ हुई है और ये सामने आप देख सकते हैं हमारा ट्रक आ चुका है, जो कि नीचे वाली साइड को लगा है, तो हम नीचे वाली साइड को ही जाएंगे। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सिर्फ हमें दूध ही मिलता है पीने के लिए। तो ये हमारी चपाती बन रही है और ये मैं बना रही हूँ और ये मम्मी। चले चलते हैं, यस बाय, जा रहा हूँ। ये मेरे चार्जर की लीड जो हमारे खरगोश जो हमने पाला हुआ उसने खा ली है, यहाँ से नए फोन की चार्जर की लीड उसने खा ली है, तो इसको मैंने पैच लगाए हुए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं ग्रीन वैली स्कूल के पास। और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। पहुंच गए हम सलगवान में जहाँ पे हरविंद्रा बस लगी हुई है, तो यहाँ से पास लेके अभी जाएंगे। तो हम आ जा रहे हैं पंजौर तक, मतलब साइड जहाँ हमारी गाड़ी अनलोड हो। जैसे कि आपको पता ही है कि शिवरात्रि है, शिवजी भगवान की शादी है कल, तो ये दूसरे वाला जो रोड है बरेड़ी के लिए जाता है, जो ये वाला रोड है, तो हमने इस पे जाना है आज, क्योंकि हम जा रहे हैं पंजौत। पहले बार देवी का मंदिर आएगा, मतलब काफी ज्यादा फेमस है वो, और उसके बाद जाएंगे पंजौत। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले भैया हमें बोले कि आप अपने ट्रक पीछे करो, मैं अपनी बाइक पीछे नहीं करूँगा। फिर ये चाचा जी ने उनको समझाया कि आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ से निकल जाएगी, तो इतना बड़ी गाड़ी है वो हमारी भरी हुई है। फिर आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया में कितने दिमागदार लोग रहते हैं। खैर छोड़े, हमने तो जाना ही है, तो भैया जी साइड से निकल गए पतली गली से, उसके बाद हम भी पतली गली से निकल गए। वैसे ये रोड भी पतली गली जैसा ही पतला है, तो खैर हमें तो गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। और वैसे भी इस रोड पे जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, तो पास की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी जो होता है हमें ज़्यादा गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो हमें एक टायर गाड़ी का नीचे उतारना पड़ता है। खैर छोड़ो, आप व्यू देखने का मजा लो, व्यू इतना अच्छा है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मैं वॉइस में लाइव वॉइस में बोलूँगी तो ट्रक की इतनी ज़्यादा साउंड है, क्योंकि ट्रक हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और हम इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हम हैं वो इसी की वजह से हैं। तो पहले मैंने इसमें लाइव वॉइस में ही बोला था, तो ट्रक की इतनी ज़्यादा साउंड आ रही थी, जैसे कि आपने पीछे अभी देखा ही होगा कि ट्रक की कुछ ज़्यादा साउंड आ रही है और मेरी साउंड कम आ रही है, तो उस वजह से मैं इसमें अलग से वॉइस डाल रही हूँ। जो जो मैंने वीडियो में बोला हुआ है वही बोल रही हूँ, ये अलग से बोल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो में नहीं था, मुझे नहीं था पता कि इतनी ज़्यादा साउंड आएगी ट्रक की। तो अभी तो हम हाफ रास्ते में पहुँचे हुए हैं, वादेवी से थोड़े से पीछे हैं अभी हम, तो ये जंगल पड़ता है यहाँ पर, तो जंगल का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो आप व्यू इंजॉय करें।
वहाँ देवी के मंदिर से आगे जैसे आ गए हैं तो वहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो मैंने दिखाया नहीं आपको मंदिर, क्योंकि वहाँ पे चौक में बस आ गई थी तो उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। अगर वापिस इसी रोड से गए हम, मैं आपको जरूर वो मंदिर दिखाऊंगी। आवर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पंजौत। तो यहाँ पे दो गाड़ियाँ और लगी हुई हैं, हमारे सामने तो एक ही लगी हुई है बट इसके आगे जो है एक और गाड़ी लगी हुई है। तो हम घर से आए थे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि दो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और हम इतनी जल्दी जल्दी में निकले थे क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था। तो ये आप साइड में बैग देख रहे हैं, ये चाचा जी के धर्मपत्नी और हमारी चाची जी, उन्होंने भेजा हुआ है हमारे लिए खाना। मेरी मम्मी ने जो चपाती बनाई थी हमने जल्दी जल्दी में, वो ही लेके आए हम। तो अभी तो हम अपनी गाड़ी को पार्किंग कर रहे हैं, मतलब गाड़ी को पार्क कर रहे हैं साइड में, ताकि इसके पल्ली साइड जो है सो लोग जा सकें, और मतलब कि लोगों की गाड़ियां जा सकें। तो यहाँ पे जो जिस शख्स को आप पड़े हुए देख रहे हैं वो मैं हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ वीडियो में कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि रोड की हालत जो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, तो उसकी वजह से सुबह जल्दी उठो और उसकी वजह से फिर जल्दी जल्दी निकलो, क्योंकि अगर ज़्यादा रोड में ट्रैफिक हो जाता है तो बार बार गाड़ी बैक करो आगे करो फिर से बैक करो आगे करो। तभी हम इस टाइम बैठ गए थे यहाँ पे और चाचा जी आगे पता करने गए थे कि तीन ट्रक पहले से लगे हुए हैं। देखते हैं हमारी गाड़ी कब अनलोड होगी। ये अचानक ही बस ये सामने में आपको बर्फ दिख रही, तो इसके साइड में जो है ड्राइवर वाली साइड में जो है वहां से बर्फ दिख रही थी, तो मैं आपको बर्फ दिखाती हूँ। अब कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। सिर्फ थोड़े से आगे चले और हमारे चिकन डिनर हो रहा है, ऐसे फ्री फायर में वो ही होता है और पबजी में चिकन डिनर, तो यहाँ चिकन डिनर हो रहा है, चिकन डिनर, चिकन लंच ब्रेकफास्ट सब एक ही। ले लो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, पेड़ इतने सुंदर हैं बाहर, फूल लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक टिप्पर और एक गाड़ी डालने वाली वो भर के लेके स्मिथ की बोरियां और आधी बची हुई है, तो 40 बोरियां रही हुई है उनके लिए स्पेशल जीप आ रही है। अभी टाइम हो गया अभी 3:07, तो आज मैं चार्जर ले आई हूँ अपने साथ। तो ये जो है मेरे जो हमारे घर में खरगोश है, सुबह भी बताया था मैंने, तो हमारे घर में खरगोश है उसने खा लिया था, तो उसको पट्टी करनी पड़ी अब। तो यहाँ बना रही हूँ मैं गाड़ी का प्रेशर, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा, पूरा दिन ऐसा लग रहा था आज भी, बस सोए रहे पर नींद भी नहीं आई ना, उतनी नींद भी नहीं आई। आए हम नीचे वाले रोड से थे और जाएंगे ऊपर वाले रोड से, तो यहाँ से हम चल पड़े हैं, यहाँ से तो
इस रोड पे हम पहले भी आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी जो मासी का लड़का है और जो हमारी भाभी है उनकी ससुराल मायका है यहाँ पे उनका। हम पहुँचने वाले थे तो यहाँ पे एक अंकल मिले हमें, उनकी गाड़ी ख़राब है तो उस चक्कर में चाचा जी गए हुए हैं देखने। उन्होंने भाई साहब का जो ट्रक था वो स्टार्ट हो गया बिल्कुल और वहाँ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच गया इस टाइम। तो जब भी पहुंच गया हम जाऊ, ये पहुंच गया हम पेट्रोल पंप पे। मैं नंबर ढूंढ रही हूँ चाचा जी के फोन में। तो गाड़ी फुल होगी हमारी और इसके बाद जो बिलिंग होगी वो हमारे पापा जी करेंगे। तो अब हम चलेंगे यहाँ से घूम के और सीधा वहाँ पे निकलेंगे घर की ओर। तो गाड़ी की पेट पूजा करवाने के बाद अब हम निकल रहे हैं। तो ये पहुंच गए हम घर और ये रहा हमारे दादाजी का बक्सा मतलब गाड़ी। भाई इतना अच्छा है, इसने मेरे लिए चाय बना के रखी हुई है। इसकी बातें इग्नोर करें और इसने मेरे लिए चाय बना के रखी हुई है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो आप लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज ब्लॉग बनाऊं और रोज ही ब्लॉग लेके आऊं। तो एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालूंगी मैं।